आज से हरियाणा स्टेट जूनियर और सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप बहादुरगढ़ में शुरू हो गई है। बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता की शुरुआत 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी से हुई, जिसमें जूनियर ग्रुप वन बॉयज में अंबाला के मयंक ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वहीं झज्जर के अतुल धनकर ने सिल्वर मेडल जीता। और 1500 मीटर फ्री स्टाइल गर्ल्स में हिसार की अवनीता ने गोल्ड और गुरुग्राम की रौनक ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गुरुग्राम की सौम्या शिंगारी ने गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रतियोगिता के विजेता तैराकों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, साथ ही तैराकों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। वहीं धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में कुश्ती और दूसरे खेलों के साथ अब तैराकी का स्तर भी पहले से काफी बेहतर हो गया है, इसलिए तो करीब 1000 तैराक जूनियर चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन हरियाणा के तैराक देश के लिए विदेशी धरती से गोल्ड लेकर आएंगे। पिछले कुछ सालों से बाकी गेम तो इस देश में दुनिया में पहले से हैं और स्विमिंग भी पहले से है, परंतु पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार हरियाणा स्विमिंग में बच्चों का रुझान बढ़ा है, छोटे छोटे गाँव शहर छोटा हो या बड़ा हो, पहले तो फिर भी बच्चे थे जो जोड़ तालाब में शर्त लगा के पार करते थे। अब ये कंपटीशन के ज़माने में जिस प्रकार से नई विधि के हिसाब से ये पूल सिस्टम बन गया, स्विमिंग पूल, और मैं तो आज हैरान हूँ देख के कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चे, जिसका आज हमने शुरुआत की है सब जूनियर और जूनियर की, 40वीं सब जूनियर की थी, 50वीं जूनियर की, तो लगता है कि ये देश अब जिस प्रकार और गेमों में आगे बढ़ा है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हमारे बच्चे स्विमिंग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्विमिंग ऐसा गेम है जिससे शरीर के सभी अंग न केवल ठीक होते हैं बल्कि ग्रोथ के हिसाब से भी स्विमिंग एक ऐसा मात्र गेम है जिसमें शरीर के चारों तरफ से फायदा होता है, पैर से लेकर हाथ तक, दिमाग से लेकर पेट तक। तो इसलिए मैं स्विमिंग के सभी पदाधिकारियों को, अनिल जी को और साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला समय हमारे खिलाड़ियों का होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्विमिंग में हरियाणा का भविष्य सुनहरा है और आगे होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में भी हमारे तैराक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, साथ ही हरियाणा को मिलने वाले मेडल की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनकर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।